हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास नाइन्थ का साइंस चैप्टर नंबर 2, बल व गति के नियम। बल व गति के नियम यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहला वाला टॉपिक और दूसरा टॉपिक यानी कि मेजरमेंट और गति क्लियर करके आए होगे, तो यहाँ पे आपको सारी बातें बहुत ढंग से समझ में आएंगी। और अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, यस सर हमको समझ में आता है, ठीक है ना। तो आप हमारे नोट्स को, मतलब कि अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे किसी कॉलेज के हो, चाहे कहीं पढ़ाई करते हो, इसको बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हो, आपके लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है ना। तो आज ही टॉपिक शुरू करते हैं बिना लेट करे हुए, बिना टाइम के वेस्ट करे हुए, ठीक है ना। बल व गति के नियम, टॉपिक क्या है बच्चों, बल व गति के नियम। तो आज की बात पहले हम जानेंगे बल क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, बल लगाने, बल का नाम लेने से ही मन में भाव उत्पन्न होता है कि आज बल लगा के काम किया है ना, आज बल लगा के काम किया है। अच्छा सपोज करो एक मिनट के लिए, अगर इस पेन को, इस मार्कर को हमको यहाँ से उठा के कहीं और रखना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। किसी सामान को हमको यहाँ से वहाँ ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। कोई मान लो साइकिल चल रही है, उसको हमको रोकना है खींच के, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। यार देख सकते हो क्या हो रहा है, मैं इस वाली वस्तु को यहाँ से वहाँ उठा के कर दूंगा लेकिन बल लगाना पड़ेगा। किसी सामान को मैं यहाँ से वहाँ कर दूंगा, बल लगाना पड़ेगा। कोई चीज़ चल रही है, रोकना है तो बल लगाना पड़ेगा। यही सब तो होता है बल। तो बल की परिभाषा क्या होती है, एक बात सुन लो पहले। आज भी हमने आपके लिए बेटा 2 पन्ने का नोट तैयार किया है, पहले आप उनको बढ़िया से मेंटेन कर लो अपने कॉपी पे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज का। तो पहली परिभाषा आपने देखा होगा बल। बल लिखा है, बल वह बाह्य कारक है। बल वह क्या है, एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है अथवा बदलने का प्रयास करता है। इस वस्तु को यहाँ से वहाँ ले जाना है, बल लगाना पड़ेगा। इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि इसकी स्थिति क्या हो गई, अभी यहाँ थी अभी यहाँ चली गई, तो क्या करना पड़ा, बल लगाना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन अब देखो एक बात और लिखी है भाई यहाँ पे, या तो बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। साइंस वालों ने थोड़ा सा बढ़िया काम कर दिया। सपोज करो हमारे सामने जो दीवार है, उसको मान लो, मतलब कि हमारे पापा ने कहा हो कि बेटा शाम तक दीवार गिरा देना, तुमको गिरा देना बढ़िया से। और मैं, यार मैंने क्या कि पापा का कहना, बढ़िया बेटा पापा का कहना मान लिया, और इसको मैंने बल लगाना शुरू किया, बल लगाया लगाया, यार गिर भी नहीं किया। शाम को पापा आया तो उनको बड़ी गुस्सा आया कि मेरा कहना तुमने किया ही नहीं। अच्छा देखो, मैंने बल लगाया, मैं थक भी गया, मैं बीमार भी पड़ गया, लेकिन पापा ने क्या कहा, तुमने बल लगाया नहीं, अगर बल लगा होता गिर जाता यार, तो दिक्कत हो गई ना। दीवार गिरा नहीं बट मैंने बल लगाया है, मम्मी जानती है, मम्मी ने देखा है, ठीक है ना, लेकिन पापा गुस्सा हो रहे हैं। तो बल की परिभाषा, अगर मतलब कि वस्तु की स्थिति बदल रही है तो भी बल लग रहा है, और अगर नहीं बदल रही है, दीवार खड़ी की खड़ी वहीं पे है, तो भी बल लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, बदलने का प्रयास कर रहा है ना, हो चाहे ना हो, बल तो लगा ही लगा है। तो अब छोटे बच्चे को बोलो चलो इंजन ढके, छोटा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा इंजन ढके लेगा नहीं ना, बल लगा सकता है तुम्हारे कहने पर लेकिन ढकेल नहीं पाएगा, तो अभी बल होता है। तो या तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बल के बारे में कुछ हमने एलिमेंट भी लिखे हैं यहाँ पे। बल वस्तु की गति को, यानी कि बल के बारे में अन्य तथ्य, बल वस्तु की गति को अधिकतम अथवा न्यूनतम कर सकता है। यानी कि वस्तु अगर मान लो धीरे चल रही है, बल लगा के ढकेल दिया, तेज हो गई। अब मान लो वस्तु, अगर मान लो वस्तु तेज चल रही है, पकड़ के खींच लिया, कम हो गई, तो बल यह कर सकता है कि अगर गतिशील है तो उसको मतलब गति कम कर सकता है, और अगर न्यूनतम गति चल रहा है तो गति बढ़ा भी सकता है, ठीक है ना। और बल वह बल वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन करता है,
जो बल होता है ना वह वस्तु की गति की दिशा में भी क्या करता है बच्चों, परिवर्तन करता है। चलो मान लिया आप मोड़ पे चल रहे हो, मतलब रोड पे चल रहे हो, सड़क पे मोड़ आ जाए तो मुड़ने के लिए आपको अपनी इस मांसपेशी को घुमाना पड़ेगा ना। यहाँ पे मांसपेशियाँ बल लगा रही हैं तब ना मुड़ रहा है, अपने मन ना थोड़ी मुड़ेगा, मांसपेशियाँ बल लगा रही है तब वो मुड़ रहा है, ठीक है ना। उसे देखो मतलब कि अगर दिशा भी चेंज करनी है वस्तु की तब भी आपको बल लगाना पड़ेगा। और तीसरा क्या है, बल वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। बल जो है ना वस्तु की आकृति में, वस्तु गोल है ना, इसको दबा दोगे चपटा हो जाएगा, फूट जाएगा, कहीं फूटूंगा अपना नहीं करूंगा ना। मान लो आपके पास कोई गोल सा बाल हो तो दबा दो बल लगा दोगे तो उसका चपटा नहीं हो जाएगा वो, तो बल वस्तु की आकृति में भी क्या करता है परिवर्तन करता है, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो जरा, यह एक सदिश राशि है। अगली बात क्या है, यह एक सदिश राशि है। नोट अगर कंप्लीट कर लियो तो अच्छी बात है भैया। सदिश राशि क्या होती है कि जिनके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। चलो मान लिया इस पे मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, अब बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। अभी आपको ये आगे मिलेगा, अभी आप थोड़ी देर के लिए जान लीजिए कि भौतिक विज्ञान में सभी राशियों कोई ना कोई मात्रक होता है ना, सभी का नहीं होता है लेकिन मात्रक होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। मान लो मैंने इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया तो वस्तु पता नहीं किधर गई, हमको पता ही नहीं किधर गई वस्तु, तो दिशा बताना पड़ेगा हमको ना, तो मतलब किधर लगाया तब मैं जानूंगा ना किधर गया। वास्तव में यह बात तब पूरी होगी जब मैं कह दूं मैंने इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल पूरब की ओर लगाया, तब बात समझ में आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं कि बल सदिश राशि होता है, जिसको दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब देखो सदिश राशियाँ जो होती है ना, सदिश राशियाँ जो होती हैं, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इनका जो मान होता है ना वह प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। जो सदिश राशियाँ होती हैं उनका मान प्लस का भी होता है और कैसा होता है माइनस का भी होता है, अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगली टॉपिक क्या, इतना समझ में आएगा ना, आ गया तो कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दो। अगला टॉपिक है बल के प्रकार, बल के क्या लिखा है प्रकार। बल होता है दो प्रकार का, बल क्या होता है दो प्रकार का, एक होता है संतुलित बल, एक क्या होता है ध्यान देना मेरी बात का, एक क्या होता है संतुलित बल और एक क्या होता है असंतुलित बल। अब संतुलित बल आपने क्या लिखा है नोट में, अगर लिखा होगा तो लिखा होगा यदि वस्तु पर कार्य करने वाले बल इस प्रकार हो, यानी कि एक से अधिक बल काम करेंगे यहाँ पे, यदि वस्तु पर कार्य करने वाले बल इस प्रकार हो जिससे कि वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो बलों को संतुलित बल कहा जाता है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट हो, यहाँ पे चलो मान लो हमारे पास कोई ईंटा है, तो बेटा क्या है ईंटा है, ठीक है ना। अब सपोज करो इधर से एक लड़का, मतलब ये 15 साल का लड़का इधर से ईंटे पर बल लगा रहा है, चलो लड़के का बल 10 न्यूटन का है, ठीक है ना, और इधर से भी सेम 15 साल का बच्चा इधर बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, अब बताओ ये ईंट कहीं जाएगा। सपोज करो भैया यहाँ पे हमारे पास एक मार्कर है, मैं इसको इधर खींचता हूँ 5 न्यूटन के बल से और कोई बच्चा इधर से खींचता है 5 न्यूटन के बल से, तो क्या यह वस्तु कहीं जाएगी, दोनों बल बराबर लगा है कहीं नहीं, मेरा हाथ कोई पकड़ के अगर दोनों खींचे, एक इधर से खींचे 10 न्यूटन के बल से और एक इधर से भी खींचे 10 न्यूटन के बल से, तो क्या मैं कहीं जाऊँगा, नहीं ना। इसे बोलते हैं संतुलित बल, मतलब कि वस्तु पर लगने वाले ऐसे बल कि अगर वस्तु विराम अवस्था में है, यह वस्तु पहले विराम में थी अब दोनों ओर से बल लगाया गया अभी विराम में है, तो इन बलों को हम क्या बोलेंगे संतुलित बल बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात और देखो, चलती हुई वस्तुएं भी संतुलित अवस्था में होती हैं। मान लो एक वस्तु यहाँ पे है, यह चल रहा है आगे की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब इस वस्तु पर मान लो कोई इंसान लगाता है यहाँ पे 5 न्यूटन का बल और यहाँ भी इधर से भी कोई लगाता है 5 न्यूटन का बल, यह वस्तु गतिमान है। अब मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे आगे से भी कोई 5 का बल लगा रहा है, मेरे पीछे से भी कोई 5 का बल लगा रहा है, तो इनका वाला बल इनको करेगा कैंसिल और मैं चलता ही रहूँगा, यह अभी क्या हो गया संतुलित बल हो गया। तो मतलब कि अगर वस्तु पर, समझो मेरी बात को, एक अलग परिभाषा इसकी देते हैं, अगर वस्तु पर 2 समान परिमाण के बल, परिमाण मतलब 5 न्यूटन 5 न्यूटन एक दूसरे के जस्ट विपरीत दिशा में लगाए गए हों, मैंने क्या बोला, अगर वस्तु पर 2 समान परिमाण के बल 10 न्यूटन 10 न्यूटन
एक दूसरे के जस्ट विपरीत, एक इधर तो जस्ट एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है तो एक इधर लगा रहा है, जस्ट विपरीत लगाए गए हो, तो इन बलों को हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। इन संतुलित बलों के, संतुलित बलों के लगने से वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना चाल घटती है ना बढ़ती है। अगर विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा और उसी वेग से चलेगी है। तो संतुलित बल क्या होते हैं, वस्तु की स्थितियों पर प्रभाव नहीं डालते हैं। अब चलो मान लो यहाँ पे असंतुलित बल क्या होता है, जो वस्तु की स्थितियों पर प्रभाव डाले। अब देखो क्या होने आ रहा है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एक वस्तु है। अब देखो, अब एक बच्चा लगा रहा है यहाँ पे बल 10 न्यूटन का, और एक बच्चा यहाँ पे लगा रहा है बल कितने का, बल को दिखाते हैं कैपिटल एफ से, फोर्स। अब देखो एक बच्चा यहाँ से लगा रहा है 15 न्यूटन का, अब बताओ बेटा वस्तु कहाँ जाएगी। मैं देखो जरा मेरा हाथ है, एक इधर से बच्चा लगा रहा है 200 न्यूटन का, इधर से लगा रहा है 250 न्यूटन का, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं इधर जाऊँगा नहीं, क्योंकि 250 वाला ज़्यादा लगा रहा है ना जी, वही बात यहाँ भी हो रही है। तो ये वाला भी क्या होगा, वस्तु इधर आएगा, है ना, दिशा देखो दिशा भी इनकी है, इधर थोड़ी जाएगा, इधर जाएगा। अच्छा मां, अब यहाँ पे देखो, अब ऐसे भी कह सकते हो कि इनका परिणामी शून्य होता है, इनका परिणामी क्या होता है, संतुलित बलों का परिणामी शून्य होता है। देखो 5 इधर लग रहा है, और चूंकि ये सदिश राशि है ना, तो 5 इधर लग रहा है, तो अगर ये प्लस का लग गया और दिशा बदल गई, और ये अभी 5 का है, तो दिशा बदलने पर चिन्ह भी क्या होएगा, बदल जाएगा। दिशा बदलेगी तो चिन्ह का मान भी, 10 सदिश में तो ही कमाल का होता है, अगर दिशा बदल रही है तो चिन्ह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ ये ध्यान रहे कि जस्ट अपोजिट, ये इधर तो जस्ट इधर लगना चाहिए, वही बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा देखो जरा यहाँ पे परिणामी, अच्छा बताओ जरा, एक तो कन्फर्म है कि वस्तु को यह लेकर के जाएगा, लेकिन कितने न्यूटन से लेकर जाएगा। सपोज करो जब यह लगाया होगा 2 न्यूटन का बल, ठीक है ना, फिर 3 लगाया होगा, फिर 4 लगाया होगा, फिर 5 भी नहीं ला पाएगा, अभी अपनी ओर नहीं ला पाएगा, अभी तहू ले भाग रहा है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। जब 10 लग गया होगा ना, तो वस्तु रुकी होगी बीचों बीच में, अब ये अपना बल, अब 10 10 बराबर 10 10 काट, एक दूसरे को काट देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब जब 11 लगा दिया तो ये 1 न्यूटन ज़्यादा हो गया, 12 लगाया तो 2 न्यूटन, 15 लगाया ना तो इनसे 5 न्यूटन ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे परिणामी बल कितना आएगा, परिणामी बल देखो जरा 5 न्यूटन आएगा, 15 इधर और दिशा विपरीत हो रही है ना, तो यहाँ पे माइनस का 10। अगर इधर 1 को अगर प्लस ले रहे हो तो 1 को आपको लेना पड़ेगा माइनस का, ठीक है ना, तो हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन, न्यूटन यानी कि कैपिटल एन होता है, और यहाँ पे बोलेंगे तो 5 न्यूटन बल बाईं ओर, कहाँ पे 5 न्यूटन बल कहाँ पे, बाईं ओर। ये होता है असंतुलित बल। ये क्या होता है, अगर वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणाम जीरो ना आए तो उस क्या बोलते हैं, असंतुलित। ये नहीं कि 10 15 10 जोड़ लो ना, फील लो ना कि यहाँ 15 यहाँ 10 लग रहा है तो 5 से ही खींचेगा हमको, 25 थोड़ी खींचेगा, ना ना ऐसे जोड़ते नहीं, इसको घटाना पड़ता है ऐसे चिन्हों के साथ, दिशाओं को देख करके। तो ऐसे बल जिनका परिणामी शून्य हो उनको हम बोलते हैं संतुलित बल, और ऐसे बल जिनका परिणामी शून्य ना हो उसे बोलते हैं असंतुलित बल, ठीक है ना, समझ गया ना हमारी बात को। तो इस चीज़ को मिटाते हैं और आगे चल थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है। अरे जोड़ना घटाना भी सिखाएंगे आप, बिल्कुल परेशान ना हो बच्चों, अभी तो उसका न्यूमेरिकल बचा है पूरा पोर्शन, बस समझो अभी फील, थोड़ा सा पार्ट का फील लो। अब आगे क्या अब दिया जा रहा है, आगे लिखा है कोई निकाय बिना किसी बाह्य बल के स्वतः अपनी गति अवस्था या विराम अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता। समझो मेरी बात को, मैंने क्या बोला है टॉपिक में, आपने अगर पढ़ा है सुना है तो देखो, कोई निकाय, निकाय मतलब होता है पिंड भी बोल सकते हो, निकाय माने क्या बोल सकते हो, पिंड बोल सकते हो, और पिंड माने वस्तु बोल सकते हो, ठीक है ना, यानी कोई भी वस्तु बिना किसी बाह्य बल के, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास एक अगर डिब्बा रखा है तो ये बेटा ना ये कहीं जाएगा थोड़ी ना, इस पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, आंधी आ रही है हवा आ रहा है, हवा भी बल लगाएगा तब नहीं गिराएगा, लेकिन बेटा ये अपने मन नहीं गिरने वाला, ये अपने आप स्वतः नहीं गिरने वाला, स्वतः यहाँ से वहाँ थोड़ी जाने वाला है ना, बल लगाना पड़ेगा। तो कोई पिंड या कोई निकाय या कोई वस्तु बिना किसी बाह्य बल के स्वतः अपनी गति वाली अवस्था या विराम वाली अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर वस्तु गतिमान है ना,
अगर वस्तु क्या है गतिमान है तो रुकेगी नहीं जब तक कोई बाबल ना लगे। अब अपने सोच रहे होगे सर जी अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो कैसे रुक जाती है, तो भैया आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेक मारने बल लगाना होता है ना, ये भी हो गया। और मान लो आपने कोई बॉल हाथ में पकड़ के सड़क पे डुगुरा दिया तो कहोगे सर जी अभी तो रुकना नहीं चाहिए, तो चलना लगातार चाहिए, तो बेटा उस पर भी बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, वहाँ पे जमीन पे या जहाँ पे आप ढकेल रहे हो वहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है। फ्रिक्शन हमेशा वस्तु के चलने के, मान लो यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे बॉल आपने ऐसे डुगुरा दिया आगे की ओर, तो आगे जाके यहाँ कहीं बॉल रुक जाएगा, क्यों, नीचे के स्थल में घर्षण काम कर रहा है, घर्षण बल होता है, ठीक है ना, और ये हमेशा वस्तु के गति के विपरीत काम करता है। तो हमने आगे ढकेला था अभी पीछे लगा रहा है बल, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, बस खत्म हो गई बात है, अभी रुक जाएगा। एक बात और सोच आपने देखा होगा, मान लो यह बहुत खुरदुरा तल है, मान लो यह बालू वाला तल है, और मान लो यह चिकना तल है, चिकना मतलब मान लो ये मतलब कि कोई शीशा है, अब दोनों पर एक समान बल से बाल ढुकरा दो, यहाँ पे एक बाल जिस पे हमने लगाया 5 न्यूटन का बल, यहाँ पे लगाया 5 न्यूटन का बल, तो बताओ कौन ज़्यादा दूर चलेगा, बालू पे चलने वाला कि चिकने पे, शीशा पे, तो आपको पता होगा शीशे पर चलने वाला बल ज़्यादा चले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही सतह जो है ना यह चिकना है, चिकना है तो जहाँ चिकने तल होते हैं वहाँ फ्रिक्शन कम होता है, यानी कि चिकने तल पे घर्षण कम लगता है, ठीक है ना। जब बरसात होती है या फिर जहाँ पे पानी पक्के पर जमा होता है काई लग जाता है, तो वहाँ पे जब पैर रखते हो तो मतलब कि क्या होता है बिछल जाता है, ऐसा होता है ना, सरक जाता है, क्यों, क्योंकि चिकना हो जाता है, चिकना हो जाता है तो घर्षण कम लगता है, बालू का वो सरकोगे क्या, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये होता है घर लाग की अलग बात हो गई हो। तो वही बात है कि कोई पिंड स्वतः है बेटा गतिमान नहीं हो सकती है, और कोई पिंड स्वतः रुक भी नहीं सकती है, ठीक है ना, स्वतः कोई काम नहीं कर सकती है, वहाँ पे कोई बाबल आपको लगाना पड़ेगा। और आपने अगला लिखा है निकाय द्वारा अपनी गति की अवस्था एवं विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। और कोई भी वस्तु ना देखो जरा बेटा, अगर मैं इस वाले पिंड को यहाँ से उठा के वहाँ रखना चाहूँ परिवर्तन उठना नहीं चाहेगा, इनको उठाने के लिए हमने क्या किया, हमने बल लगाया ना, बल क्यों लगाया, क्योंकि यह उठने का विरोध कर रहा था, क्या कर रहा था, अच्छा मान लो एक बच्चा आपके घर में छोटा सा हो, और छोटा बच्चा अगर मान लो मैंने बोला बेटा स्कूल पढ़ने जा, तो अगर मान लो कहा अगर नहीं जाऊंगा क्या करोगे, विरोध कर रहा है ना, अब वो अगर अच्छा मैंने कह दिया होता पढ़ने जाओ और चला गया होता ना, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, तो विरोध नहीं कर रहा है, चला गया। अब मैं इनको कह दूँ भैया यहाँ से वहाँ चले जाओ, तो चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं कहने पर जाएंगे क्या है, ये छोटे बच्चे की बात ही वही है कि बच्चा विरोध करेगा तो पकड़ के जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे, विरोध करो देखते हैं कितना करते हो, तो हमारा बल लगाना पड़ेगा, हमारी ऊर्जा खत्म होगी, है ना। तो कोई भी वस्तु अगर मैं इसको उठाना चाह रहा हूँ ना, उठना नहीं चाह रहा, अगर उठना चाहता ना तो हमको बल नहीं लगाना पड़ता, और हम बेटा उठना नहीं चाह रहा तो हमको एनर्जी, हमको बल लगाना पड़ रहा है, ऊर्जा हमारी खत्म हो रही है, और दिन भर में 100 बार इनको उठा बैठा दूँ ना तब हमको दो रोटी का भूख फिर से लग जाएगा, है ना, क्योंकि विरोध कर रहा मैं जबरदस्ती, बच्चे को जबरदस्ती खींच के ले जाओगे तो आपकी एनर्जी खत्म नहीं होगी, होगी ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है विरोध करते हैं, सब क्या करते हैं, अब मतलब कि कोई भी वस्तु होता है अपनी गति की अवस्था एवं विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मान लो कोई वस्तु गति कर रही है, मैं उसको पकड़ के पीछे खींचूं तो मुझे क्यों खींचना पड़ा, क्योंकि विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है वो, विरोध मुझे गुस्सा लगा रहा है, मैंने बोला रुक जाओ नहीं रुका, सुनेगा थोड़ी ना, साइकिल सुन रहा है क्या, बॉल रुकेगा सुन रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस विरोध कर रहा है मेरा ना, जब मेरी बात नहीं सुन रहा तो मेरा विरोध कर रहा है तो मैं पकड़ के खींच लाऊंगा उसको, ठीक है ना, तो मुझे बल लगाना पड़ेगा, अपने मन में थोड़ी होगा। तो वही बात है, कोई भी जो वस्तु होती है ना अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, बात जान लो आप, चलो ठीक है अच्छा। और इसी विरोध करने के गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, जड़त्व बोलते हैं। एक बात फिर से सुनो, मेरी बात पूरी सुनो, तो किसी निकाय द्वारा अपनी गति की अवस्था तथा विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण,
ये अगर विराम में है तो चलना नहीं चाह रही है, मुझे जबरदस्ती चला रहा हूँ, विरोध कर रही थी ना, चला जबरदस्ती चला दिया, तो विरोध करने की जो एबिलिटी है ना, इनकी जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, उसे हम बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यह, होता है जड़त्व होता है, ठीक है ना। और ये अभी आपने आगे भी लिखा होगा, जड़त्व किसी निकाय का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में गति से संबंधित होने वाले किसी परिवर्तन का विरोध करता है। निकाय किसी वस्तु का ऐसा भौतिक गुण होता है जो अपनी स्थिति, वस्तु अपनी स्थिति में गति से संबंधित होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। चल रहा है तो रुकना नहीं चाहेगा, और रुका है तो चलना नहीं चाहेगा, हमको बल लगाना पड़ेगा। ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पे जड़त्व और द्रव्यमान, जड़त्व तो हो गया वस्तु की एबिलिटी हो गई, जड़त्व और द्रव्यमान दो अलग अलग बातें हैं। जड़त्व तो क्या होता है? वस्तु का गुण होता है। द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु के अंदर कितनी पदार्थ की मात्रा है, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, यह गुण है। और यह क्या है? वस्तु के अंदर कितनी पदार्थ की मात्रा है होता है, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये होता है जड़त्व प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान होता है। अब सपोज करो आपके पास मान लो 10 किलो का एक पिंड है, ठीक है ना, और एक पिंड 50 किलो का है। इसको आप ढकेलो, इसको ढकेलो, तो कौन ढकेला जाएगा तुरंत? तो कहोगे सर यह तुरंत ढकेला जाएगा, और इनको ढकेलोगे तो आपका पसीना छूट सकता है ना। अब देखो यारा, इनको ढकेलने के लिए काफ़ी बल लगाना पड़ेगा, है ना। द्रव्यमान ज़्यादा 50 किलो, द्रव्यमान कम, तो ये देखो यहाँ भी जड़त्व है और जड़त्व क्या है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जड़त्व कम है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो जड़त्व प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान होता है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसमें जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। अगर मान लो 100 किलो का हो जाए तो हिला भी नहीं पाओगे, क्यों? जड़त्व बढ़ गया। तो द्रव्यमान वस्तु का जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, जड़त्व प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। अब देखो जरा, जड़त्व दो प्रकार का होता है, ये अभी बात है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है, यानी कि हो गया जड़त्व के प्रकार, ये तो होता है दो प्रकार का। पहला हो गया बच्चों विराम का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है, और एक होता है गति का जड़त्व। ये क्या होता है? गति का जड़त्व। सुनो जरा, विराम का जड़त्व क्या होता है? तो ये जड़त्व क्या है? एक गुण है। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई मतलब कि जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे। अगर ये विराम में है ना तो विराम में रहना चाहेगी, तो बल ना लगाओ। ये मतलब कि वस्तु के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? विराम का जड़त्व बोलते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? विराम का जड़त्व बोलते हैं। और गति का क्या होता है? अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। मैंने बोला ना, बाल अगर डुगरा दिए हो तो फ्रिक्शन पीछे काम कर, तब वह रुक रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं काम करता तो रुकता नहीं, लगातार चलता रहता हो, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत की अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। और वस्तु के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? वस्तु के इस गुण को हम बोलते हैं गति का जड़त्व बोलते हैं, ठीक है ना। अगर वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी, विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी। और इन वस्तुओं की इन गुणों को हम क्या बोलते हैं? गति का जड़त्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आप बढ़िया से देख पा रहे हो क्या? देख पा रहे हो? चलो कुछ एग्जाम्पल मतलब कि देखते हैं, विराम की जड़त्व पर और गति की जड़त्व पर संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने पर उस पर लगे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा, अगर मान लो पेड़ पे मान लो आम है, आम का मौसम है, मान लो पेड़ पे आम है, टहनी पकड़ के मतलब कि डाल पकड़ के हिला दिया, आम क्या हो गया? गिर गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका ऐसा इस कारण होता है क्योंकि पेड़ की टहनियाँ जोर से हिलाने पर तुरंत गति में आ जाती हैं। समझना मेरी बात को, पेड़ की टहनी को मैं हिला रहा हूँ वो गति में आ गया, और आम चूँकि किस में था? विराम अवस्था में था। आम किस में था बच्चों? विराम अवस्था में था। आम मैं आम को पकड़ के मैं हिला रहा हूँ, मतलब टहनी को हिला रहा हूँ ना, तो आम मतलब ये जो टहनी वो गति अवस्था में आ गई, आम विराम में हो गया। तो बेटा आम विराम में रहने के नाते विराम में रहना चाहता है,
अगर दोनों साथ साथ गतिमान हो गए होते ना तो आम नीचे नहीं गिरता कभी भी, ना ना इम्पॉसिबल है, नहीं गिरता कभी भी। देखो टहनी गतिमान हो गई और आम बेटा अपनी प्रवृत्ति के नाते विराम में रहने के नाते विराम में रहना चाह तो विराम में रहना चाहे भाई हिलने लगा गिर गया फटाक से, ई हिल रहा और रुकना चाहते हैं दोनों संबंध टूट गया गिर गए। दोनों साथ साथ चले होते तो सपोज करो एक मिनट के लिए आप मान लो आप दो लोग दौड़ रहे हो हाथ पकड़ के दौड़ रहे हो, अगर दोनों लोग का वेग समान है तो हाथ छूटे कभी नहीं छूटेगा। अगर मान लो आपका साथी भी दौड़ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से और आप भी दौड़ रहे हो 50 मीटर पर सेकंड से तो क्या कभी हाथ छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा। लेकिन कोई भी अगर कम ज़्यादा हुआ ना, अगर किसी का वेग कम ज़्यादा हुआ ना तब हाथ छूट जाएगा। कभी कभी आपने दौड़ा दौड़ान खेला होगा बढ़िया से ना, तो कभी कभी होता है कि एक साथी जो बगल वाला तेज दौड़ देता है तो हम धीरे हो जाते हैं तो हाथ छूट जाता है। बस यही कमाल की बात है, अगर टहनी के साथ आम भी गतिमान हो गया होता तो नहीं टूटता। लेकिन आम विराम में रहने, मैंने टहनी को गति दिया और आम विराम में रहने के नाते विराम में रहना चाहा तो गिर गया फटाक से। अगला एग्जांपल क्या है देखो जरा, इसे बोलते हैं मतलब कि विराम का जरा तो बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्या लिखे हो, चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर पड़ते हैं। चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री क्या होते हैं? गिर पड़ते हैं। अच्छा एक बात और सुनो पहले, सपोज करो मिनट के लिए यह बस है, यह क्या है? एक बस है। मस्त बस है, यहां पे सीट है, ध्यान देना मेरी बात का। यहाँ पे मान लो एक आदमी है, यहाँ पे क्या है, एक आदमी है ऐसे यहाँ पे बैठा हुआ है बढ़िया से। अभी बस चली नहीं है, अभी बस क्या हुआ है, चली नहीं, ध्यान देना मेरी बात का क्या मैं बोल रहा हूँ। अभी बस चली, अभी बस रुकी हुई है, बस क्या है, रुकी हुई है। अचानक बस चालू हुआ, चलने लगी, अचानक बस चालू हो गया और क्या हुआ, चलने लगी। अब सुनो जरा मेरी बात को, क्या होगा यहाँ पे, घटना क्या घटेगी, जब वस्तु रुकी हुई है तो आदमी बैठा हुआ रुका हुआ है, अचानक जब बस चलेगी तो देखो बस चलने लगी तो बेटा जो पैर है ना बस के साथ पैर भी आगे बढ़ने लगा, बस के साथ पैर बस के संपर्क में था तो बस के साथ पैर भी आगे बढ़ने लगा, लेकिन जो सर है ना यह बस के तल के संपर्क में नहीं था। देखो जरा अब एक जो विराम अवस्था में है और विराम अवस्था में रहने के नाते है क्या होगा, विराम में ही रहना चाहेगा और विराम में रहना चाहेगा तो फटाक से क्या होगा, पैर आगे बस के साथ और ये पीछे, आदमी पीछे की ओर गिर जाएगा, आदमी पीछे की ओर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सर है ना वह विराम में रहने के नाते विराम में रहना चाहता है और यह गतिशील हो गया, गति आगे भाग गया, रुकना चाहा तुरंत कहाँ गिर गया, यह आगे और यह पीछे, ऑटोमेटिक कहाँ गिर जाओगे, पीछे गिर जाओगे। तो जब बस रुकी हुई है आप वहाँ पे बैठे हो तो अचानक जब चलने लगेगी ना तो कहाँ गिरोगे आप, फटाक से पीछे गिरोगे। तो यहाँ पे इंसान हाथ पर मतलब कि कुछ पकड़ लेता है। अच्छा सपोज करो इसी बस में अगर बस चल रही है अचानक ब्रेक मार दे, अब ध्यान देना मेरी बात का, अब जब बस चलने लगी ना तो ये ऐसी घटना थोड़ी देर के लिए घटती है, जब पूरा शरीर ना बैलेंस में आ जाता है तो ये घटना नहीं घटती है, तो बस कुछ पल जब शुरू होता है, जब रुकता है, जब चलना शुरू होता है या जब रुकता है तब दो चार सेकेंड की बात होती है। अच्छा मान लो अचानक ब्रेक मार दे, देखो पूरा शरीर गतिमान है बस के साथ, सर पैर सब गतिमान है, चलने लगे, दिल्ली से मुंबई भाग गए, अब ब्रेक अचानक जब मारा ना तो बस रुकी फटाक से तो पैर बस के संपर्क में था, पैर बस के संपर्क में था, यह भी बस साथ रुक गया, लेकिन जो सर है ना यह गतिमान होने के नाते गतिमान ही रहना चाहता है, गतिमान होने के नाते क्या होता है, गतिमान ही रहना चाहता है, तो पैर रुक गया या गतिमान होना चाह आगे जा गिर जाएगा, सर अक्सर लड़ जाता है, आपने देखा होगा जब गाड़ी उड़ी में बैठते हो कुछ पकड़े उकड़े नहीं होता, जब ब्रेक लगता है ना अक्सर आप आगे चले जाते हो। अगर आपका भाई छोटा वाला है मोटरसाइकिल चलाना भी सीख रहा है पीछे बैठ जाओ, जब गिच पिच करता है ना अचानक रुक दिया तो आप उसके सर पर लड़ जाते हो तो आगे गिरते हो ना। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे घटना घट रही है, ठीक है ना, इसे कह सकते हो गति का जड़त्व। यह क्या है, जब ये वाला ऐसा हो रहा था गति का जड़त्व है और जो पीछे वाला था ना वह क्या था, विराम वाला। गति वाले जड़त्व में आप आगे की ओर गिरते हो और विराम वाले में कहाँ गिरते हो, पीछे की ओर गिरते हो। हमारी बात को समझिएगा इस बढ़िया से, ठीक है ना। और एक बात और समझो लॉजिक में, बस चल रही है सपोज करिएगा, यह मान लीजिए यह बस चल रही है
अचानक ऐसा भी होता है, यहाँ पे उतरने वाला चीज़ है, बस मान लो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। अचानक जब कोई एक दिन वाला इंसान यहाँ अचानक उतरना चाहता है चलती बस से, तो गिर जाएगा, मुंह फूट जाएगा इस गधे का, क्योंकि विज्ञान तो पढ़ा नहीं है इसने, विज्ञान तो तुम पढ़े हो। अब देखो क्या हो रहा है, बस चल रही है तो आदमी तो गतिमान बस रथ है ही, अब मान लो तुरंत उतरना चाहेगा तो देखो इंसान का पैर किस में हो गया, इंसान का पैर जो जमीन पे आया तुरंत हो गया विराम में, कहाँ पे हो गया विराम में, और सर किस में है, सर गतिमान होने के नाते गति अवस्था में ही रहना चाहेगा, और बेटा जब ये विराम, ऐसे इंसान नीचे पैर तो विराम में हो गया और भाई आगे की ओर भी जाना चाहेगा ना, तो इंसान गिर जाता है, घटना आपने देखी होगी। तो यही तो होता है, यही तो है गति का जड़त्व या विराम का जड़त्व, ठीक है ना। और यहाँ पे चूंकि गति का है, गति वाली बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो होना क्या चाहिए, अगर आप मतलब कि जिधर बस चल रही है तुरंत आप उतरो नहीं, बस की चलने की दिशा में 2-4 कदम दौड़ जाओ, बस के चलने की दिशा तुरंत नीचे नहीं, जैसे बस चले ना ऐसे पकड़ो फाटक इसी के थोड़ा 2-4 कदम चले चलो, तब नहीं गिरोगे। ऐसा देखा होगा, ऐसा रेलगाड़ियों में भी होता है, बच्चे क्या करते हैं रेलगाड़ियों में ऐसे उतरने काम करते हैं, गिरते हैं तो ऐसे दुर्घटनाएं घटते हैं, तो कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो रेलगाड़ी इधर चल रही है ना, कभी भी उतरने का प्रयास करो आप, पहली बात उतरना नहीं चाहिए, लेकिन कभी बहुत अर्जेंट हो, गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही है तो उतरना चाहो, तो आप जिधर गाड़ी चल तुरंत जमीन पर नहीं, जिधर गाड़ी चल रही है उधर 2-4 कदम कूद के चले जाओ, तो आप मतलब कि 2-4 कदम उधर चलोगे ना तो 2-4 कदम में अपना बैलेंस, अपनी जो बॉडी होती है ना वो बैलेंस मेंटेन कर लेती है, तो बेटा आराम से मतलब कि काम हो जाता है, गिरते पड़ते नहीं हो आप, ठीक है ना। तो तुरंत रुकने का नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गति का जड़ तो विराम का जड़ तो काम कर रहा है, आप गाड़ी की दिशा में चलते रहो, ठीक है ना। मोटरसाइकिल है उतरना चाहते हो तो तुरंत नहीं उतरना, तुरंत उतर जाओगे तो गिर जाओगे, थोड़ा पहले एक पैर इधर करो, कूदना हो तो मोटरसाइकिल की ओर 2-4 कदम चल चलो, जो कूदो ना अपने शरीर को गति मिले, आओ मोटरसाइकिल की ओर 2-4 कदम चलो, तब नहीं चोट लगी, आप गिरोगे भी नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे टॉपिक हमारी समझ में आई होगी आपको। ऐसे तमाम एग्जांपल हैं, कुछ एग्जांपलों को आप खुद पढ़िए, और समझ में नहीं आता तो हमको आप बताइए। उम्मीद करते हैं कि हमारे वाला वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और अब कभी उतरोगे तो बचा के ध्यान दे के उतरोगे, है ना। तो बच्चों आप इस महामारी के दौर में अपने आप को स्वस्थ रखो, फैमिली को स्वस्थ रखो, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप एक बार फिर से मुस्कुरा दो, ऑल द बेस्ट।